रास्ता ठीक नहीं है जिधर चल रहे हो। चलो फंस गए फंस गए। अभी हम पहुंचे हैं फ्रांस के साउथ में किसी एयरपोर्ट पे, कनेक्टिंग फ्लाइट है एंड वहाँ से फ्रांस जाके जा रहे हैं पुर्तगाल। डिले था 1 घंटे का पिछली फ्लाइट में, तो अगली फ्लाइट है आधे पौने घंटे में निकल रही है। मैं उस पर एग्जिट लेके दोबारा एंट्री मारनी है। टाइम इज़ लिमिटेड, अगर निकल गए तो फिर डिले हो जाएंगे। अभी दोबारा आप कपड़े बेल्ट उतरवाएंगे। बड़ी भाग दौड़ करने के बाद मिली है फ्लाइट, साथ में ट्रक पर फ्लाइट चल रही थी, सब जाके पहुँचे मिल गई है। नाम मैं तो चली गई है इस भाई को सुसु बहुत आता है। मैं आधा घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि ये बाहर आ जाए किसी तरीके से। बता रहे जाना कहाँ है उसको, गूगल मैप चला रहे मैनुअल मैनुअल क्या गाड़ी नहीं 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 इसका नाम अच्छा क्या गाड़ी कर रहे मैनुअल। फाइनली अभी हम पुर्तगाल में पहुंच गए हैं। इसमें जहाज का सफर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जरात है। सुबह से निकले हुए हैं, मेरे घर से हम 11 बजे निकले थे और अभी 6:15 हो गए, 6:15 जहाँ पहुँचे हैं। और ये जो बाकी जरात है ऊपर बुक करो टैक्सी लो या बसों पे जाओ। अच्छा यहाँ पे पोर्टो सिटी है, वहाँ पे हमने रुकना अगले 2 दिन। तो जो पोर्टो का एयरपोर्ट है वो सिटी से बाहर है, टैक्सी लेके पोर्टो जाएंगे। पोर्टो में पहले जाके फ्रेश होंगे फिर निकलेंगे। अभी कुछ घंटे हैं हमारे पास और जो नाइट लाइफ है वो पोर्टो में स्पेंड करेंगे। हमारे कल्चर में दो लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता है। एक तो वो जो प्रॉपर जॉब ना करते हों, मतलब बेशक जितने मर्जी पैसे कमा रहे हों लेकिन वो डेली बेसिस पे काम नहीं कर रहा उसको समझा जाता है कि बिल्कुल वेला है, कोई काम नहीं करता। दूसरा वो जो घर पे कम बैठता है और घूमता फिरता रहता है। और अभी मेरे पे दोनों सिचुएशन इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जज नहीं करेंगे। अभी मैं फिर रहा हूँ पोर्टो में। पोर्टो पुर्तगाल का सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी। कल से आया मैं यहाँ पे, मसला यहाँ पे यह है कि इंग्लिश किसी को नहीं आती, हर काम के लिए हमें थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अभी सुबह सुबह नाश्ता ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ दो दोस्त और भी हैं जो कि अभी हॉस्टल में सोए हुए हैं, तो मैं निकला हूँ नाश्ते की तलाश में। आपकी स्पेशल फरमाइश पे ले के आया हूँ पुर्तगाल का, क्या उसको बोलते हैं स्पेशल नाश्ता, ये तो आपके लिए आया हूँ डोनट, लेकिन ये स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल ही है। ये यहाँ का कुछ स्पेशल है, हर दुकान पे मिला है मुझे। अच्छा पता नहीं क्या है, मैं उठा लाया हूँ। और ये है पुर्तगाल के फेमस केक, हमने तो गलती से ट्राई कर लिए थे, आपने नहीं कर लिए। अच्छे लग रहे हैं यार, क्या करो काम
जो मैं कहता हूँ तो करते नहीं हो। खूबसूरत सिटी है वैसे, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मैं कोई 5वीं सदी से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। उनकी बिल्डिंग आर्किटेक्ट सबसे नज़र भी आ रहा है, काफ़ी पुराना सिटी है। कुछ रीन्यू की हुई हैं बिल्डिंग्स, लेकिन जो अक्सर बिल्डिंग्स हैं वो पुरानी हैं, आपको रेनोवेट होने वाली नज़र आती हैं, लेकिन शायद टू कीप इट एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री इसी तरह उन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ पीछे है एक ट्रेन स्टेशन, जो कि है तो सिर्फ ट्रेन स्टेशन, काफ़ी पुराना है, वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अच्छा नहीं लगेगा टी शर्ट लेके आए हम अपनी, ये सीखा है भाई जान, जब मौसम ऐसे ऐसे हो ना दोनों कपड़े रख लो, गर्म भी ठंडे भी। 23 डिग्री समझाया था आपको, 23 डिग्री है आप तो है और यहाँ से ले लो, से ना होना कहीं पे दो शर्टें ले लो, दो शर्टें ले लो। पीछे मेरे ना एक बुक शॉप है, उस पर जो लाइन लगी हुई है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना वहाँ तक लाइन लगी हुई है, खास बुक शॉप है, हम भी यही देखने आए थे, लेकिन इतनी लंबी लाइन देख के इरादा रह गया। बाकी एक दो एक्टिविटीज़ हैं वो कर लें, उसके बाद वापस जाकर देखेंगे, अगर तो लाइन कम हुई ज़्यादा लंबा वेट ना करना पड़ा तो फिर ये देख लेंगे, अगर इसको स्किप करते हैं, इतना शौक भी ना चाहिए लोगों को पढ़ने का। वैसे अमेजिंग चर्च इन्होंने बनाए हैं, और भी ये नहीं अक्सर बड़े सिटीज़ में जो भी बड़े चर्च हैं स्पेशली टूरिस्ट के लिए, दे आर अमेजिंग, बहुत सा पैसा स्पेंड किया है उन्होंने, प्लीज। चार फ्लोर हैं इस चर्च के, अभी हम दूसरे फ्लोर पर खड़े हुए हैं, अभी एक फ्लोर ये है, एक और ऊपर भी है, उसके अलावा इसके साथ एक टावर है जो कहते हैं कि शायद यूरोप का सबसे ऊंचा टावर है, उसके 2-3 स्टोरीज आगे भी हैं, ऊपर टावर के टॉप तक जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं नीचे नीचे नहीं नहीं ऊपर जाना, बंद किया हुआ है जाने भी आ गया ना पा, उन्होंने आपको लंबे रहना है। रास्ता ठीक नहीं है जिधर चल रहे हो भाई, ये तो बचपन से मुंबई का रास्ता भी चलता है, ये बात ठीक है। चलो जी, थैंक यू। यस यस, चलो मैं करता हूं, पास दे पास दे, चलो थैंक यू मैन, थैंक यू। चलो चलो कैसे हो सकता है, मतलब खाई रास्ता
यहाँ से जो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, यहाँ पर मैंने लगाई हुई है कि ये मशहूर बिल्डिंग्स आपको इस टावर से नज़र आती हैं। सामने भी और चर्च है, इसकी तस्वीर यहाँ बनाई हुई है इन्होंने। और इस तरह ये वाला चर्च है, ये भी समंदर में नोटिस कर लिया है। पोर्ट तो समंदर के किनारे पे है। ओ शिट, ये तो मुझे पता नहीं था। शाम को कहाँ पे जाना है, आपको मैंने बताया था। बीच सफाई का यहाँ पे खास ख्याल रखा जाता है। आपके चम्मच में भी यही कुछ होना है। मैं पी बैठा हूँ ना, कर पी बैठे हैं। ये खूबसूरत सा खोखा है, खूबसूरत सी लोकेशन पे। व्यू तो ये है इसके सामने, लेकिन जो सफाई का ख्याल है ना, लेकिन जो माहौल है ना, अमेजिंग। आज तो भी और भी कुछ प्लान्स हैं लिस्ट में, बट वी स्टिल हैव वन मोर डे, सो वी शुड टेक इट इजी। और जो पीछे हमारे ब्रिज है, यहाँ को रूट बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लाइम कर सकते हैं, वो भी लिस्ट में है, वो भी इंशाल्लाह कल देखेंगे। हम भाई 10 साल बाद ये बोर्ड ले लेनी है, चेक करें कितने की है। बाबा ही लेते हैं ना, अभी लेंगे तो हम अभी अच्छी गाड़ी लेंगे, हम दो चैलेंजर लेंगे।